गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? यस, आज वोट कास्ट करने नहीं गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वोट डालने नहीं गए आज? नहीं सर, डाले आएंगे, अभी बहुत टाइम पूरा दिन। ये बात भी सही है, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, राइट है? पहले चलिए, तो कर आज ले। मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं प्लीज। कहाँ जा रहा है मार्केट, ऊपर नीचे कहाँ खुल रहा है? सर नीचे खुल रहा है, युद्ध नीचे की खुल रहा आशंका। है, युद्ध की आशंका। यस, चलो देखते हैं क्या होता है। हमें तो देखो, एक अच्छे ट्रेडर की पहचान क्या होती है, जो मिले उसमें खुश रहता है, राइट ना? जो मिल जाए उसमें खुश है। अगर मार्केट, अगर वॉर हो रही है उसमें भी वो अपना पैसा निकालेगा, अगर पीस चल रही है तो भी अपना पैसा निकालेगा। एक अच्छे ट्रेडर की यही पहचान होती है, राइट है? एक पॉइंट नोट करते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। अगर मैं ट्रेंड लाइन डालता हूं यहां पर, तो मेरी ट्रेंड लाइन यहां पर कहां पर आ रही है, और अगर उसके नीचे मार्केट खुलता है तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है, राइट है? ये मेरी ट्रेंड लाइन है, और कल मार्केट ट्रेंड लाइन पर क्लोज हुआ था, और आज उम्मीद थी कि मार्केट की कि हो सकता है यहां से बाउंस बैक कर जाए, उम्मीद थी कि शायद बाउंस बैक कर जाए यहां से। लेकिन अगर इसके नीचे खुलता है तो एक ट्रेंड टूटेगा, राइट ना? और ट्रेंड टूटना सही है या गलत है बताएं? गलत है, गलत है सर, गलत है। नहीं टूटना चाहिए, ठीक है? अगर ये टूटा तो इसका मतलब एक बड़े डाउन की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी मार्केट से, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद नहीं करता था कि आज ये ब्रेक करेगा, मेरे को था कि फर्स्ट टाइम भी गया है, सेकेंड टाइम अभी भी यहां से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आज नीचे खुलेगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, फिर देखते हैं मार्केट में क्या होता है, राइट है? चलिए आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आज हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन खुल रहा है तो हमें किस साइड पर रहना है, पहले तो ये बताएं हमारी साइड क्या होनी चाहिए। देखो यस सर, एनीवन, कुछ हाँ जी, टाइम तो वेट करना चाहिए, फिर जिस मूवमेंट जैसा चलेगा फिर उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। यस। अभी 21,900 के आसपास चल रहा है, 21,900 कहां पर है देखिए, हो सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना प्लीज, कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट जरा सा नीचे खुले और दोबारा सपोर्ट पकड़ जाए, हो सकता है कि नहीं, राइट है? तो इसलिए हम अवेयर रहेंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे कि हमारा मार्केट ऐसा भी कर सकता है, ठीक है? 896 पे चल रहा है, 896 इस समय मार्केट कहां पर है? 896 आपके पास आ रहा है अराउंड 896, यहां कहीं नीचे ही है। बस अभी कितने 2 मिनट और बचे हुए हैं, तो मार्केट में थोड़ा सा अगर और नीचे खुल गया, देखो इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है। अगर ध्यान से देखोगे, कभी भी जब मार्केट चलता है तो जब अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये वाला, ये सपोर्ट काम करेगा। माइक को बंद कर ले, ये सपोर्ट काम करेगा, राइट है? इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला सपोर्ट हमारा काम करेगा कभी भी। एक पॉइंट आपको बताता हूं, शायद आपके काम का आ जाए जब तक मार्केट खुल रहा है। और एक बात का ध्यान रखना कि ये मार्केट आ रहा है, ध्यान से समझना, बस समझते रहना, छोटा सा पॉइंट है, ये क्लास में भी डिस्कस करता हूं मैं और यहां पर भी डिस्कशन में ला रहा हूं। मार्केट ऐसे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, मार्केट चलता कैसे है? मार्केट यहां से चलता है और ये ट्रेंड लाइन को ओबे करता हुआ चलता है, फॉलो करता है ट्रेंड लाइन को और रिस्पेक्ट करता हुआ चलता है, राइट है? और अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा बाय यहां पर हो जाता है। हमारा बाय कब होगा? नॉर्मली हम लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाय करते हैं, राइट? हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, बाय कर लो, राइट है? लेकिन अगर हम इसको, माइक को बंद कर ले प्लीज, जिसका ही माइक चल रहा है, ठीक है? तो अब एक पॉइंट आपके पास आया, क्या जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो मेरा बाय आ जाता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या भाई जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो मेरा बाय आ गया? नहीं नहीं सर। आया, नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट के अंदर एन वेव कौन सी है, ये वाली थी ना एन वेव? जी यस, सर। मार्किंग करता हूं, देखो एन वेव ये वाली थी, बाय किसके ऊपर, इसके ऊपर है या नहीं, राइट है? तो अगर आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाती है तो आपका बाय इसके ऊपर आएगा, एक बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है? इसीलिए कई बार क्या होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक फेल हो जाता है और मार्केट नीचे आ जाता है, क्योंकि हम लोग यहां पर बाय करते हैं। सेम केस अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी सेम केस है, तो मार्केट को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका फायदा रहेगा। मार्केट ये ऊपर चल रहा है और ट्रेंड लाइन अगर मैंने बनाई है, ऊपर की भी बना देता हूं मैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है?
ऊपर की ट्रेंड लाइन चल रही, तो मार्केट कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और मार्केट की ट्रेंड लाइन जा रही है ये वाली, ये ट्रेंड लाइन जा रही है। तो अगर मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो ये जो हाई दिख रहा है, एक ये वाला हाई और एक ये वाला लो, ये लो स्पेशली काम करेगा इसके फॉल के लिए, यहां से मार्केट तेजी से गिर सकता है। तो अगर इसी थ्योरी को मैं आज यहां पर लगाता हूं, तो आप देखिए इसका डाउन कहां पर आएगा। यस, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करता है तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, राइट है, ये एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट को इसके नीचे टूटना चाहिए या नहीं अच्छे डाउन के लिए? ठीक है, डाउन के लिए टूटना चाहिए। 861 पर मार्केट नीचे खुल रहा है। 861 आपका कहां पर है? 861 आपके पास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली यहां पर, यहां कहीं, यहां कहीं लगा लीजिए। तो अब ये पॉइंट समझना कि क्या मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर खुला है अभी या नीचे, समझना बहुत जरूरी है, राइट। क्या मार्केट सपोर्ट के ऊपर खुल रहा है अभी या नीचे, तो क्या मार्केट एकदम से फॉल कर जाएगा? अभी थोड़ा वेट कर सकता है, राइट है, ये सपोर्ट के ऊपर ही है मार्केट। तो हम उम्मीद करेंगे कि मार्केट क्या करे, या तो यहां से सपोर्ट लेके इसके ऊपर चला जाए और या फिर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे। बैंक निफ्टी भी कहां पर खुल रहा है उसको भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कहां पर खुल रहा है? बैंक निफ्टी कहां पर खुल रहा है? 46744। 46744 कहां पर है? कितना नीचे है बताएं, कितना पॉइंट डाउन में है? यस, 46744। 46744 कहां पर है? इसको मार्किंग करके देखते हैं, ये जीरो का भी नहीं चलता, ठीक है। 46744 आपके पास अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं है, अप्रोक्स यहां नीचे, ठीक है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट का एक एक्चुअली सपोर्ट लेवल है, सही बताऊं तो बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है मार्केट का, देखते हैं क्या करेगा मार्केट। एक सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है मार्केट का ये वाला, मल्टीपल सपोर्ट्स पे खुल रहा है निफ्टी तो। हाँ, उम्मीद, अभी उम्मीद देखो, हम पहले कुछ डिसीजन नहीं लेंगे और लीजिए भी मत पहले डिसीजन कोई, आराम से मार्केट को चलने दे और जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उसके हिसाब से हम बाय करेंगे। अभी ये बताइए, कल भी हमने डिसाइड किया था कि भाई मार्केट डाउन में है, लॉन्ग टर्म क्या था? डाउन था ना। और अगर आपको ध्यान होगा कल हमने ये बोला था कि अगर मार्केट पिवोट के नीचे चला जाएगा तो हम मार्केट को छोड़ देंगे, यही बात करी थी हम लोगों ने, राइट। हमने नहीं, उसके बाद नहीं किया था हमने। अब उसके बाद मार्केट जब नीचे आया, देखो इसको दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके से कैसे समझोगे इस पार्ट को। पहला पार्ट ये है, अभी है हमारे पास टाइम, पहला पार्ट ये है कि क्लाउड बेस पर चार नंबर की बाय आनी चाहिए या नहीं? नंबर एक आनी चाहिए, राइट है। मार्केट हमने ये सीखा हुआ है कि मार्केट बार बार कन्वर्जन लाइन से सपोर्ट लेके नीचे चलेगा और जब तक बेस लाइन के ऊपर ना जाए तब तक हम बाय नहीं कर सकते, सिंपल सा कंसेप्ट हमने डाला हुआ है। तो आप चाहो तो, अगर अपने पार्ट में इसको समझना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि मार्केट अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा रहा है तो अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो रुके रहो आराम से, जैसे ही मार्केट इसके नीचे चलता है अपनी सेलिंग कर सकते हो क्योंकि अभी सेलिंग में है मार्केट, राइट है। या फिर आप पिवोट लगा लो, पिवोट के नीचे मार्केट चलना शुरू हो गया आप सेलिंग कर सकते हो। मैं एक मिनट दिखा देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर सीपीआर लगा दिया, मर्जी है यूज कर सकते हो आप इस पार्ट को, ठीक है। अगर चाहो तो ये देखिए सीपीआर की मैं सारी लाइन यहां पर से हटा रहा हूं, इसका मेरे को कोई काम नहीं है, जब तक मार्केट खुल रहा है तब तक देखते हैं, जैसे मार्केट खुलेगा तब आगे चलेंगे, ठीक है। ट्वेल्व हो रहे हैं अभी। अब मेरा केस ये है कि आपकी कन्वर्जन लाइन है यहां पर, ठीक है, कहीं पर भी ऊपर लगा दीजिए, मार्केट यहां पर बैठा था, ये आपकी कन्वर्जन, थोड़ी मैं मोटी लाइन ले लेता हूं जिससे आप आराम से काम देख पाए कि क्या होगा। ये मेरे पास मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था, यहां पर मेरे को जाना है 5 मिनट में, 5 मिनट में मार्केट देखा मेरा पिवोट पॉइंट कहां पर है। देखो ये मेरी कन्वर्जन लाइन है और ये मेरा पिवोट पॉइंट है, इस पॉइंट को शायद समझ लेना, शायद गांव आ जाए आपके, ठीक है। ये मेरी कन्वर्जन लाइन है, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस पॉइंट को शायद अगर समझ में आएगा तो अच्छा पॉइंट आपके लिए रहेगा। देखो ऊपर ट्रेड कर रहा है और नीचे आपकी ये पिवोट पॉइंट है, समझ में आई ये कन्वर्जन लाइन और पिवोट पॉइंट का कंसेप्ट, ये कन्वर्जन लाइन ये पिवोट पॉइंट, नीचे आपकी कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट यहां ट्रेड कर रहा है, अगर इसको सेल में जाना है तो कन्वर्जन लाइन के नीचे आना पड़ेगा प्लस पिवोट के नीचे आना पड़ेगा। तो देखो आपका मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था
और उसके बाद क्या हुआ, आप देखो ये यहीं पर घूम रहा था और उसके बाद आया मार्केट पिवोट के नीचे, ये पिवोट के नीचे और कन्वर्जन लाइन के भी नीचे। अगर इस पॉइंट पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा नीचे, देखो ये लाइन ले आता हूं मैं इस जगह पर, ये पिवोट है, और अगर मैं यहाँ पर घंटे भर में जाके देखूंगा तो मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे आ चुका होगा। ये देखिए यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था और ये कन्वर्जन लाइन के नीचे सेलिंग, राइट है, तो ये अक्सर हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि मार्केट कहां पर इस समय ट्रेड कर रहा है और कहां पर आप अपनी बाय एंड सेल ले सकते हो। अभी भी अगर मैं देखता हूं तो मार्केट कहां पर खुल रहा है, 46,744 आपका मार्केट आ रहा है नीचे, यहां पर कहीं पर नीचे आ रहा है इस जगह पर, ये पॉइंट है, अभी डाउन पे ही है। मार्केट रिजेक्शन कहां का ले सकता है प्लीज बताएं, रिजेक्शन कहां का ले सकता है अगर मार्केट को मिलेगा, ये रिजेक्शन मिलेगा या ये रिजेक्शन मिलेगा, राइट, दो रिजेक्शन मार्केट के पास में 15 हो रखे हैं, मार्केट को हमें क्या करना चाहिए बताएं, यस, एक प्रॉफिट मैं बुक कर लेता हूं पहले अपना, राइट, एक प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है, ये मेरा चल रहा था तो मैंने इसको बुक कर लिया, राइट है। चलिए आगे चलते हैं, मार्केट में इस समय एक सपोर्ट लेवल, जबकि देखो सारी सेलिंग चल रही है, ठीक है, सारी सेलिंग चल रही है मार्केट के अंदर, अभी क्या मार्केट की बाय है, यस सर, जल्दी से बताए, नहीं है सर, कोई बाय दिखाई दे रही है 40 इसकी मार्केट की, नहीं सर, कोई बाय नहीं है, राइट है। अब जरा दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि मार्केट का अभी भी मैं सपोर्ट ढूंढ रहा हूं, मार्केट का सपोर्ट कौन सा हो सकता है ये बताए, कौन सा सपोर्ट, मार्केट गिर रहा है, एक बात का ध्यान रखना प्लीज कि मार्केट में जब मार्केट गिर रहा हो और तेजी से गिर रहा हो तो टाइम फ्रेम को बड़ा करना है मेरे को, राइट है, टाइम फ्रेम को बड़ा करना है। देखो एक बार बताओ, मार्केट गिर रहा है इतनी देर में मैं और ट्रेड ले लेता हूं या नहीं बताओ, देखो और ट्रेड ले लेता हूं कि इतनी देर में तो मेरा ट्रेड शुरू हो जाता है, लेकिन देखो मैं और ट्रेड नहीं कर रहा हूं, क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट का अभी मैं सपोर्ट ढूंढूंगा आराम से। 30 सेकेंड आप लोगों से ये एडवाइस है कि 30 सेकेंड हर एक ट्रेड में एनालिसिस को दे दे, राइट, 30 सेकेंड एनालिसिस को देने हैं मेरे को। अब मैं इस पे एनालिसिस कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरा सपोर्ट कौन सा हो सकता है, तो मैं इस सबको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, इन सबको मैंने हटा दिया और इस लाइन को भी हटा दिया। अब मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूं, देखते हैं मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है, देखिए जरा क्या एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो रखा है मंथ टाइम फ्रेम में मार्केट, यस सर, इसी कैंडल के अंदर है, राइट है। मार्केट अगर मैं देखता हूं तो मार्केट का डाउन कहां तक है, आप चेक करें, ये मार्केट अप गया, ये मार्केट डाउन आया, ये मार्केट अप गया, ये मार्केट डाउन आया, यहां तक का एक डाउन है मार्केट के पास में अगर देखा जाए तो, वहां पर आता है नहीं आता सब अलग पार्ट है, लेकिन वहां तक का एक डाउन मार्केट को देखने को मिल सकता है क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है, तो इतना मार्केट नीचे आ सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बीच में और ढूंढते हैं कि मेरे सपोर्ट कौन से है, जरा पीछे से जाके चेक कीजिए तो कौन सा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, मैं इसे ब्लू कलर से कर देता हूं, क्या ये सपोर्ट है, है सर, और कौन से टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, बड़े टाइम फ्रेम, और फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। आपका मार्केट एक करंट सपोर्ट, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको एक पॉइंट समझ में आएगा और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना, जब तक मार्केट ऊपर जाता है और जब तक मार्केट इसका सपोर्ट नहीं लेगा तब तक एक अच्छा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, राइट है, इसको लेके जाना ही पड़ेगा मार्केट को। तो यहां से चेक करो, ये आपके पास हाई था, मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर गया, ये सपोर्ट पकड़ा, फिर जब इसे ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर गया, ये सपोर्ट पकड़ा, फिर जब इसके ऊपर गया, मार्केट गया ऊपर और इसे सपोर्ट पकड़ा, मार्केट का अभी यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है, यही है ना करंट सपोर्ट, जब तक ये नहीं टूटता तब तक हम अभी सेलिंग, मतलब बहुत बड़ी सेलिंग के लिए नहीं जा सकते, तब तक हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, अभी छोटा मोटा सेल आप आराम से कर सकते हो पर बड़ा सेल का गुंजाइश अभी नहीं बनेगी जब तक मार्केट कम से कम इसके नीचे ना आए। चलिए चलते हैं और वीक के टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, वीक के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी कैंडल बनी है, अगर आप सेलिंग प्रेशर देखते हो तो सेलिंग प्रेशर कहां पर, ये दिख रहा है आपको पूरा सेलिंग प्रेशर, ये पूरे वीक थे, देखो 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, चारों वीक को एक ही कैंडल खा गई पूरी या नहीं, एक ही कैंडल निपटा गई, तो इसका मतलब सेलर हावी है काफी, ठीक है।
अब यहाँ पर हम वीक का सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो वीक का सपोर्ट ये वाला है कि नहीं है? एग्जैक्ट जो हम वीक का सपोर्ट बनाएंगे मल्टीपल ये बन रहा है, ये मल्टीपल सपोर्ट भी है, तो मार्केट को अभी वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट करेगा क्या। अब जरा डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट मार्केट का यही सपोर्ट है, देखें यस सर राइट है, मार्केट का ये सपोर्ट है, हाँ तो वहां पर आ रहा है, तो अभी आने देते हैं मार्केट को आराम से नीचे और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर करेगा क्या। वेट करें वेट करें और वेट करें। देखो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको ठीक से टेस्ट नहीं किया है, अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है राइट है, तो इसलिए। और दूसरी बात हमारे पास एक पॉइंट और भी है कि मार्केट का हमारी ट्रेंड लाइन कहां पर जा रही है, देखिए जरा इसको ट्रेंड लाइन बनाए, वीक की डे की जो भी अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है उसको बनाए, जरा देखिए ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है इसकी, निफ्टी की। यस मैंने आपको बोला ट्रेंड लाइन नीचे से नहीं बनानी है, यस हमने ये किया था प्रॉमिस कि हम नीचे से नहीं बनाएंगे, हम वापस से बनाएंगे ट्रेंड लाइन राइट, नीचे से ना बना के उल्टी ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो आप चेक कीजिए, एक लो ये है, एक लो ये है, एक लो ये है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, आ जाएगा ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती उसको नहीं लेंगे। देखते हैं अभी करंट ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मैं आखिरी के दो ले रहा हूं बस, एक ये वाला और एक ये वाला राइट है, इसको भी ले सकते हो चाहो तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली हम एक पॉइंट का ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट ये भी आपके काम आएगा कि जब हम लो की मार्किंग करते हैं ना तो लो की मार्किंग में ग्रीन कैंडल नहीं आती है, एक अजीब सा पॉइंट है मगर इसको रख लेना, जनरली हम लो की मार्किंग में ये ग्रीन कैंडल को ना रख के हम रेड कैंडल को मार्क करते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट होता है। तो मार्केट में अगर मैं देखता हूं इस लो को और इस लो को मैं मिलाता हूं तो मार्केट एग्जैक्टली कहां पर बैठा है, बिल्कुल बाय पॉइंट पर राइट है। तो अब यहां से देखते हैं मार्केट करता क्या है, मार्केट का रिएक्शन क्या है। आप देखिए सेलिंग में जाने वाले थे, मार्केट क्या कर रहा है यहां पर, क्या सेलिंग की तैयारी कर रहा है, कुछ कवर कर रहा है, कुछ अभी वेट कर रहे हैं, वेट करना है, ये मेरे पास एक सपोर्ट है और ये मेरे पास ट्रेंड लाइन है, दोनों को चेक करते हैं मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, इसको सही कर ले, अगर आप करना चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट का मतलब ये करेक्ट राइट है, चाहो तो ये कर लो, मर्जी है आपकी, नहीं तो उसको भी रहने दोगे तो भी ये भी चलेगा, ये बना भी ठीक है। तो अब आप हमें यहाँ पर देखना है कि या तो यहाँ पर दो चीजें आ रही है, एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये सपोर्ट आ रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है ना ये, अगर यहां से ऊपर चलेगा तो। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को यहां पर क्या करना चाहिए, यस अब क्लाउड भी लगा देते हैं, क्लाउड भी लगा देते हैं, पिवोट भी लगा देते हैं, जो आपका दिल करे वो लगाओ। पहला तो चेक करते हैं इसका पिवोट पॉइंट, इसके पिवोट पॉइंट मेरे को क्या बोल रहे हैं बताएं, क्या पिवोट के ऊपर है मार्केट अपने ब्लैक पिवोट के या नहीं? नहीं सर, इसकी बाय असल में कहां पर आनी है, अगर आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे को इसकी बाय इसके ऊपर ही बनती है कि नहीं? जी बनती है, वो बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि नहीं बनेगी ये बाय। अब दूसरा केस, नेक्स्ट मतलब मंडे को, मंडे को पिवोट नीचे कहीं बनना चाहिए, मार्केट उसके ऊपर मिलना चाहिए मेरे को या नहीं? यस, तो मेरी एक बाय होगी, तो अभी मार्केट बाय में नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि मार्केट बाय में, अगर मेरे को कोई छोटा मोटा बाय चाहिए तो कम से कम पिवोट बेस पर 5 मिनट के पिवोट के ऊपर तो होना ही चाहिए या नहीं, कम से कम उतना तो मिनिमम होना चाहिए, तो चलो 5 मिनट के पिवोट पे चलते हैं, क्या मार्केट 5 मिनट के पिवोट के ऊपर है, पिवोट ये बैठा है? नहीं सर, नहीं है, अभी भी नहीं है, इसका मतलब मार्केट अभी बाय में नहीं है, तो इसलिए मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो यहां कहीं से एक रिजेक्शन ले सकता है राइट, ले सकता है यहां से रिजेक्शन। तो वेट करते हैं थोड़ा सा मार्केट यहां पर करेगा क्या, अगर मार्केट यहां से चलेगा तो एक मूव मार्केट ले सकता है, छोटा सा, बड़ा मूव नहीं होगा, बहुत छोटा मूव होगा जो कि छोटे मूव के साथ में आप ट्रेड करेंगे, लेकिन क्या किसी सपोर्ट पर आके बैठा मार्केट? चलो एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों का एक सपोर्ट लगाते हैं, आज थोड़ा गलत ट्रेडिंग करेंगे राइट है, निफ्टी 50 लगाते हैं और इधर लगाते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक ठीक है, मेरे लॉस फायदे से मत डरना प्लीज आप लोग, कि लॉस हो जाता है फायदा होता है सब मैं अपने आप मैनेज करता हूँ ठीक है, बस आप आराम से ट्रेडिंग देखो और खुश रहो ठीक है। अब मेरा पॉइंट आपके साथ ये है कि ये मार्केट सपोर्ट लेवल से उठ रहा है या नहीं उठ रहा है,
यस क्या मार्केट बिल्कुल निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है भाई, लेकिन इसके साथ में इसका सपोर्ट लेवल होना मतलब मार्केट ऊपर जाएगा भी, मान लिया ऊपर जाता है तो आपका मार्केट किसके पिवोट के ऊपर जाना चाहिए या नहीं? यस सर यस और नो, पिवोट के ऊपर जाना चाहिए। क्या मार्केट पिवोट के ऊपर जा रहा है? अभी पॉइंट नहीं चेक सर करते देखिए, पर सपोर्ट से उठ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, यस सर सपोर्ट से उठ रहा है तो मार्केट का यस रिजेक्शन लेवल आखिरी कौन सा होगा? यहां तक जा सकता है मार्केट, सर उसके ऊपर जाए ना जाए, और इसके बीच में कौन सा पिवोट आ रहा है? ये आ रहा है, राइट आ रहा है, इसका मतलब मार्केट यहां तक जा सकता है, या अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले लेगा तो ये भी एक मल्टीपल सपोर्ट हुआ। कौन सा सपोर्ट? मल्टीपल सपोर्ट। आप अगर ध्यान देखोगे तो दो पिवोट है कि नहीं यहां पर, तो ये मल्टीपल सपोर्ट हुआ। देखो मैंने कॉल ली है, क्या अगर दिखाऊंगा, ये देखो मेरी कॉल चल रही होगी, चल रही है, बाय में ही है कॉल, राइट है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या नहीं बताओ? यस सर बताइए बिल्कुल आप, करना चाहिए यस सर करना चाहिए? गलत हूं ना मैं, गलत जगह ट्रेड ले रहा हूं कि नहीं? गलत यस जगह सर ले रहा हूं बिल्कुल, ट्रेड बुक करो, गलत ट्रेड नहीं देना। मैं आपको बोला कि मैं गलत, अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि मैं गलत करके दिखा रहा हूं, गलत है, राइट है, क्यों? क्योंकि गलत चीज गलत ही होती है। लेकिन कहां तक आप जा सकते हो इस पे? यस, कौन से पॉइंट तक आप इसमें जा सकते हो बाय के लिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन सा पॉइंट होगा जहां से मार्केट जा सकता है? ये वाला पॉइंट, रिजेक्शन पॉइंट, यस सर बस ये, ठीक है? मतलब अगर मैं बाय लेना चाहूं तो केवल मैं यहां तक ले सकता हूं, और मार्केट को कहां से रिटर्न होना चाहिए? यहां तक भी नहीं जाना चाहिए, मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न होना चाहिए कि नहीं? मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहां पर, अदरवाइज यहीं से। मार्केट अक्सर यही करता है कि बीच में अगर कोई आपको पिवोट मिल रहा है वहीं अगर नीचे जाना है यहीं से चला जाएगा, या मैक्स टू मैक्स यहां पर जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट होता है। तो देखो हमने एक रिस्की ट्रेड उठाया कि नहीं उठाया? यस सर बहुत रिस्की, मतलब बहुत अच्छा खासा रिस्की होता ही हमारे लिए, क्योंकि मार्केट देखो एग्जैक्ट इसी पॉइंट से जहां पर हमने बुक किया, वो तो आपने मेरे को बता दिया तो मैंने बुक कर लिया, राइट? नहीं तो मुश्किल होता बुक करना, राइट? मतलब मैं तो और भी चला लेता, मुझे कोई इशू नहीं था, राइट? लेकिन समझिए इस पॉइंट को कि कहां पर आपको यहां पर बुक कर लेना है, इस पॉइंट को समझे, जहां पर लालच नहीं करना चाहिए ना। जो मिल रहा 700 रुपए आए ये मेरे हैं, राइट है, 2500 रुपए आए ये मेरे हैं, राइट? अगर मैं सोचूंगा मार्केट यहां तक जाएगा और यहां प्रॉफिट होगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। हाँ अगर मार्केट अब इसके ऊपर बैठता है, अगर इसके ऊपर बैठता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो मैं यहां तक का एक ट्रेड जरूर ले सकता हूं, ये आप कर सकते हो। मार्केट को यहीं से नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत बाय बनाना चाह रहा तो अब की बार इसके ऊपर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? वहां से आप अपना ट्रेड एक छोटा सा ले, लेकिन रिस्क है, रिस्क समझिए, रिस्क बहुत है। इसलिए ऐसे नहीं बोल सकते कि इजी है बहुत ट्रेड करना, वो तो मैं दिखाता रहता हूं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। मार्केट अपने सपोर्ट पर बैठा है, अब मार्केट को कहां पर आना चाहिए? ये वाला लेवल ब्रेक करके अगर नीचे आएगा तो सेलिंग में चलेगा। अब चलो क्लाउड पे चलते हैं, दो ट्रेड हमने ले लिए और क्लाउड पे चलते हैं। क्लाउड मेरे को बाय बोलेगा कि नहीं बोलेगा बताए? अगर बाय में जाना है तो बाय का सिम्टम बनाएगा? वो हमने ये पहले ही देखा, ये देखिए, आपको बाय बनाएगा यहां पर, ये रही बाय, ठीक है? अभी इसको और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप इनको चेक कर सकते हो, बहुत सारे और तरीके हैं, निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी को भी आप अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो। हमने डबल क्लाउड भी किया था, डबल क्लाउड पे काम किया था हमने या नहीं? यस हुआ था हमारा डबल क्लाउड पे काम, राइट? हमने हमने किया हुआ है, किया हुआ है, राइट है? अगर मैं डबल क्लाउड पे काम करता हूं तो भी मैं इसका बहुत अच्छे अच्छे तरीके निकाल सकता हूं, जिससे मैं इसकी बाय और सेल ले लूंगा, ठीक है? एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूं, गिव मी अ सेकंड प्लीज। एक मिनट देता हूं, यस चलिए, ये डबल क्लाउड है, सेटिंग बाद में आप पूछ लेंगे मेरे से, सेटिंग का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? सेटिंग आप मेरे से पूछ लेना बाद में, ठीक है?
क्लास के लोग ही पूछेंगे, मतलब क्लास के जो मेरे स्टूडेंट है वही पूछेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे फिर मेरे पास कमेंट आ जाते हैं कि सारी सेटिंग बताओ, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक है चलिए वापस चलते हैं। और ये मैंने डबल क्लाउड है, राइट है, ये मेरे पास डबल क्लाउड है और डबल क्लाउड की ये लाइंस लगी हुई है, राइट। एक मिनट देख लेता हूँ, ये लाइंस नहीं है जो, एक मिनट दीजिए जरा मेरे को। यस एक मिनट में इसको सामने ले आता हूँ, इसके साथ भी काम कर सकते हो आप आराम से, कोई इशू नहीं है। एक मिनट में देख लेता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, चल रहा है, ये देखिए राइट है। इसके साथ भी आप आराम से काम करें, लेकिन इसके साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। अभी देखिए अगर मैं इसको 5 मिनट में देखता हूं तो मेरा बाय कहां पर आएगा, ये आपका क्लाउड है, और अभी आपको क्या बाय बोल रहा है, आप लोगों ने कई उन्हें डबल क्लाउड के साथ करे हुए भी है, आप उसी की सेटिंग है उसमें देखो। अब यहाँ पर आपको कोई क्लाउड नजर नहीं आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको क्लाउड, कोई क्लाउड ही नहीं है, राइट है, और ये सिग्नल फॉर्म हो जाता है, ये सिग्नल फॉर्म हो जाता है। इसका बाय कहां पर आता है कोई भी बताए, इसके ऊपर बाय है, रेड के ऊपर आपका बाय है, तो क्या मार्केट अभी ऊपर आ गया बाय में, नहीं तो बहुत दूर, कोई बाय नहीं है, बहुत दूर है। अगर मैं और छोटा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में भी देखो ये बाय में नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो भी बाय में नहीं है। हमने बोला था इस रेड लाइन के नीचे आपके पास एक सेल आ जाएगा, बड़ा सेल होगा, जब तक इसके नीचे रहेगा सेलिंग ही रहेगी, और अगर मैं इसे 5 मिनट में देखता हूं तो 5 मिनट में भी अभी कोई भी बाय मेरा डेवलप नहीं हुआ है, तो मार्केट और नीचे गिरेगा अभी।